सीमित ओवरों के क्रिकेट में कभी टीम इंडिया के सुपरमैन रहे युवराज सिंह ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। टीम इंडिया के दो दो वर्ल्ड कप जीत के हीरो रहे 37 साल के युवराज पिछले दो सालों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर चल रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी वनडे और आखिरी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच 2017 में खेला था। उसके बाद से उनकी टीम इंडिया में कभी वापसी नहीं हो पाई थी, जबकि टेस्ट क्रिकेट में तो 2012 के बाद उनकी कभी टीम में दोबारा वापसी नहीं हो सकी। युवराज सिंह ने 3 अक्टूबर 2000 में केन्या के खिलाफ नैरोबी में वनडे क्रिकेट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आगाज किया था। युवराज ने 2011 के वर्ल्ड कप में 9 मैच में 90.50 के औसत से 362 रन और 15 विकेट लिए थे। वो उस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान युवराज कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, जबकि उन्होंने किसी को इस बात की खबर नहीं लगने दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल से पहले डॉक्टरों ने उनको नहीं खेलने की सलाह दी थी, लेकिन वो न सिर्फ मैदान में उतरे बल्कि भारत की जीत के हीरो भी बने। उन्होंने उस मैच में 57 रन की पारी खेली थी। 2011 विश्व कप के हीरो रहे युवराज सिंह ने मुंबई में एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान किया। संन्यास का ऐलान करते समय युवराज सिंह बहुत ही भावुक हो गए थे। उन्होंने एक बहुत ही भावुक संदेश में क्रिकेट के साथ अपने सफर का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी हेजल और माँ शबनम मौजूद थीं। अपने विदाई संदेश में यूवी ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपने क्रिकेटिंग कैरियर में आए हर एक उतार चढ़ाव और अच्छी बुरी याद को जिक्र किया। युवराज सिंह ने कहा कि मैं बचपन से ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चला और देश के लिए खेलने के उनके सपने का पीछा किया। मेरे फैंस जिन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मेरे लिए 2011 वर्ल्ड कप जीतना, मैन ऑफ द सीरीज मिलना मेरे सपने की तरह था। उसके बाद मुझे कैंसर हो गया, ये आसमान से ज़मीन पर आने जैसा था। उस वक्त मेरा परिवार, मेरे फैंस मेरे साथ थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 25 साल और 17 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मेरे कैरियर के बाद अब मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। इस खेल ने मुझे सिखाया कि कैसे लड़ें, कैसे गिरें और कैसे उठें और फिर कैसे आगे बढ़ें। टीम इंडिया में यूवी के नाम से युवराज सिंह ने कहा, 2011 का विश्व कप जीतना एक सपने की तरह था। उसके बाद मुझे कैंसर हो गया और उस दौरान मेरे फैंस और परिवार साथ थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भारत के लिए खेलूंगा, लेकिन 2004 में मैंने लाहौर में पहला शतक लगाया और फिर T20 विश्व कप में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाना यादगार रहा। 2014 के T20 विश्व कप का मैच मेरे लिए सबसे खराब अनुभव था और तब मुझे लगा था कि मेरे क्रिकेटिंग कैरियर का अंत हो गया है। युवराज सिंह ने आगे कहा कि मैंने हमेशा खुद पर भरोसा रखा और ये बात मायने नहीं रखती कि दुनिया क्या कहती है। मैंने गांगुली की कप्तानी में कैरियर की शुरुआत की और सचिन, सहवाग, बीरू, गौतम जैसे मैच विनर्स के साथ खेला, जबकि जब रिटायरमेंट की बात आई तो मैं पिछले साल ही ये फैसला ले चुका था। सोचा जो T20 जीते हैं उसके बाद संन्यास लूँ, लेकिन सब कुछ जैसा सोचो वैसा नहीं होता। आपको बता दें कि युवराज सिंह ने अपना आखिरी टेस्ट 2012 और आखिरी इंटरनेशनल T20 2017 में खेला था। वहीं उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए IPL का 12वां सत्र खेला था। IPL 2019 में मुंबई की ओर से युवराज को कम ही मौके मिले। इस IPL के दौरान जब यूवी प्रैक्टिस के लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुँचे थे तो वो भावुक हो गए थे। स्टेडियम पहुंचकर यूवी की 2011 विश्व कप की यादें ताज़ा हो गई। तब इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया था। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।